हाय, आज हम बात करेंगे पाउडरी मिलेड्यू के बारे में। पाउडरी मिलेड्यू क्या होता है और क्या रीज़न होता है कि हमारे प्लांट्स में लग जाता है और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। हाय, मेरा नाम है श्वेता और मेरे चैनल का नाम है माय गार्डन या माय प्लेस। सबसे पहले पाउडरी मिलेड्यू कैसे पहचाने? अगर आपके लीव्स पर यानी जो पत्ते हैं वाइट स्पॉट हो और वो एक पाउडरी फॉर्म में हो तो वो पाउडरी मिलेड्यू आ गया आपके प्लांट्स में। ये एक वाइट कलर का फंगस है जो बहुत स्पीड से बढ़ता है। तो ये फंगस पत्तों के पहले नीचे साइड से लगता है और उसके बाद ऊपर दिखाई देता है। यूं इसमें तो बहुत सारे फंगस लग गए हैं। ये मेरा जुकनी का प्लांट है और अब क्या करें? तो हमें अपनी जुकनी और इस प्लांट को बचाना है। अब इस प्लांट को तो हम फेंक नहीं सकते ना। बहुत ही ईजी से सोल्यूशन बताती हूँ जो आपके प्लांट्स में काम आएगा। आपको एक स्प्रेयर वाली बॉटल लेनी है और नीम ऑयल लेना है और पानी लेना है। बस एक ढक्कन नीम ऑयल या 2 टेबलस्पून नीम ऑयल हम 1 लीटर पानी में मिक्स करेंगे और इस सोल्यूशन को बनाने के बाद हम अपनी पत्तियों पे स्प्रे करेंगे। ये आप हर दूसरे दिन दीजिए जब तक आप इन पाउडरी मिलेड्यू की जो समस्या है वो कम होती नज़र ना आ जाए। क्या रीज़न है और किस वजह से पाउडरी मिलेड्यू हमारे प्लांट्स में लग जाता है? बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने के कारण या फिर ह्यूमिडिटी का अपने आप में बढ़ना और कम होना किसी भी रीज़न में पाउडरी मिलेड्यू को इनविटेशन देता है। ये ज़्यादातर जून से लेकर दिसंबर के महीने में होता है। अगर इसको जल्द ही रोका ना जाए तो ये पूरा प्लांट ख़राब कर सकता है। तो जब भी पाउडरी मिलेड्यू, नीम ऑयल आप अपना रेडी रखें और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सॉल्यूशंस मैं बता रही हूँ आपके, जिससे आप पाउडरी मिलेड्यू से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन है ये पानी। अगर पहली स्टेज पे पाउडरी मिलेड्यू है यानी ज़्यादा नहीं फैला है तो आप तेज़ धार वाला पानी इन पे हर दूसरे दिन डालेंगे तो ये आराम से पाउडरी मिलेड्यू ख़त्म हो जाते हैं और ये वापस नहीं आते हैं। दूसरे दिन भी नहीं डालने की ज़रूरत है अगर आप पहले दिन ही अच्छे से दे दें। ये बहुत ही आसान तरीका है पाउडरी मिलेड्यू को भगाने का। ना कोई पेस्टिसाइड, ना नीम ऑयल, ना ढेरों सारे महंगे महंगे आपको इसमें पेस्टिसाइड यूज़ करना है। बस पानी लेना है और तेज़ धार से पानी, जैसे पत्तों को साफ़ करते हैं ऐसे ही पाउडरी मिलेड्यू को साफ़ करते हैं। आप देख लीजिए इसका रिज़ल्ट। ये मैंने अपनी पत्तियाँ अभी साफ़ करी हैं पानी से और आप देखिए पाउडरी मिलेड्यू एक भी नहीं नज़र आएगा आपको। थोड़े बहुत रह गए हैं जो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाए हैं, लेकिन अगर पहली स्टेज में पाउडरी मिलेड्यू है तो पानी से ही ये साफ़ हो सकता है। देख रहे हैं आप ये पहली वाली पत्ती कितनी ज़्यादा भरी हुई थी पाउडरी मिलेड्यू से, अभी ये एकदम साफ़ हो गई है। और लास्ट सॉल्यूशन ये है कि अगर पाउडरी मिलेड्यू ज़्यादा नहीं फैला है तो बस उनकी पत्तियाँ को कट कर देना है और उनसे दूर रख देना है। और 3 ऐसी चीज़ें जो आपके किचन में अवेलेबल हैं, दूध, मट्ठा और छाछ। जी हाँ, दूध, मट्ठा और छाछ से भी आप पाउडरी मिलेड्यू का छुटकारा पा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, 40% दूध लेना है और 60% पानी। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके स्प्रे बोतल में डालनी है और अपने जितने भी इन्फेक्टेड लीव्स हैं उन पर स्प्रे कर देना है। यहाँ पे मैंने जितने भी सॉल्यूशंस आपसे डिस्कस करें वो मेरे ट्रिपल टेस्टेड हैं। मैं 3 से 4 बार यूज़ कर चुकी हूँ और हमेशा 100% सक्सेसफुल रिज़ल्ट है। चाहे आप पानी से साफ़ करिए, नीम ऑयल से साफ़ करिए या फिर दूध, मट्ठा और छाछ से साफ़ करिए, पाउडरी मिलेड्यू 101% चला जाएगा। एक बार आप यूज़ करके तो देखो यार। अगर आप मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत मेहनत से बनाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपके भी प्लांट्स बिल्कुल हैप्पी हो जाएं, बिल्कुल मेरे प्लांट्स के जैसे। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा प्लीज़। तो जल्दी मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।